नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। स्वामी परमहंस दास, स्वामी इनको कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, इनको बाबा की श्रेणी में रखना चाहिए या इनकी ढोंगी बाबा की श्रेणी में रखना चाहिए, ये बात आप खुद से तय करिए। स्वामी परमहंस दास आमरण अनशन पर बैठे हैं। क्यों आमरण अनशन पर बैठे हैं, ये बात जान करके आप चौंक जाएंगे। जिन स्वामियों का काम होता है, जिन धर्मगुरुओं का काम होता है देश के अंदर, समाज के अंदर भाईचारे का संदेश देना, देश के अंदर एकता पैदा करना और समाज के अंदर जो है वो करुणा भरी बातें जो है, दया की बातें जो है वो कहना, लेकिन किस तरह से घृणा भरी बातें जो है, नफरत भरी बातें जो है, ये स्वामी कह रहे हैं और अपने आप को फिर स्वामी कहते हैं। परमहंस दास जो है वो अनशन पर बैठे हैं और इन्होंने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और देश को मुस्लिम मुक्त बनाने के लिए ये आमरण अनशन पर बैठे हैं। सबसे पहले तो आप एक क्लिप देखिए कि किस तरह से जो है ये आमरण अनशन पर बैठे हैं और उनकी मांग है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और मुस्लिम मुक्त जो है वो भारत घोषित किया जाए। ऐसे ऐसे स्वामी लगातार नेताओं के पिछलग्गू बन करके, नेताओं के इशारों पर नाचते हुए इसी तरह की बात करते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहेंगे, भारत को मुस्लिम मुक्त भारत बनाने की बात कहेंगे, ये कभी भी भारत को महंगाई मुक्त भारत बनाने की बात नहीं कहेंगे, बेरोजगार मुक्त भारत बनाने की बात नहीं कहेंगे, कभी भी बलात्कार मुक्त भारत बनाने की बात नहीं कहेंगे, कभी भी जो है जाति छुआछूत मुक्त भारत बनाने की बात नहीं कहेंगे, कभी भी ये लोग जो है वो भारत को अपराध मुक्त भारत बनाने की बात नहीं कहेंगे। ये लोग बात करेंगे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की, भारत को मुस्लिम मुक्त बनाने की, लेकिन जिन चीजों से सच्चाई में, वास्तविकता में जो है वो भारत को मुक्ति दिलाई जानी चाहिए और जिसके लिए राजनेताओं को काम करना चाहिए, जिसके लिए इस प्रकार के जो धर्मगुरु हैं उनको काम करना चाहिए, लेकिन वो लोग जो है वो अपना असली काम नहीं करेंगे बल्कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किस तरह से भारत को मुस्लिम मुक्त भारत बनाने की बात कर रहे हैं, ये आपके सामने है। और केवल जो है ये ऐसे स्वामी एक दो नहीं है बल्कि इस तरह के स्वामियों की पूरी जमात, ऐसे लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है और ये भीड़ जो है वो बीजेपी में ही क्यों पाई जाती है। बीजेपी के एक विधायक है सुरेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह बोरिया से, बीजेपी के उत्तर प्रदेश से ही विधायक है और वो कह रहे हैं 2024 से भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, भारत के मुसलमानों को यहां से निकाल दिया जाएगा और भारत के मुसलमान जो है वो राष्ट्रभक्त नहीं होते हैं, वो यहां का खाते हैं गाते हैं पाकिस्तान का है। सुनिए एक बार बीजेपी के विधायक जो है वो किस तरह से अपना ज्ञान जो है वो झाड़ रहे हैं कि भारत के मुसलमानों की नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए। ऐसे लोग लेकिन ये नहीं कहेंगे कि अपराधियों की नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि अपराधी जो है फिर इन्हीं के दल में मिलते हैं, इन्हीं के साथ ही मिलते हैं, इसलिए अपराधियों की नागरिकता खत्म करने की ये लोग बात नहीं करते हैं। ये लोग बात करते हैं मुसलमानों की नागरिकता खत्म करने की, ये लोग बात करते हैं भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाए, बांग्लादेश भेज दिया जाए, लेकिन ये लोग कभी बात नहीं करेंगे बलात्कारी जो है, जो बलात्कारी है उनको यमराज के पास भेज दिया जाए, ये लोग कभी ऐसी बात नहीं करेंगे क्योंकि बलात्कारियों की भरमार है इनके दल के अंदर, इसीलिए जो है ये ऐसी बात नहीं करेंगे। लेकिन सीधे सीधे आप समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से ये लोग जो है वो सरकार के जोकर की तरह से है, सरकार के जोकर की तरह से है। जब सरकार के पास में नचाने के लिए, दिखाने के लिए कुछ नहीं होता है तो सरकार जो है वो जोकर रूपी एक पत्ता निकालती है और उसको फेंक देती है और फिर मीडिया जो है, जो गोदी मीडिया है, वो इसी प्रकार के जो जोकर हैं जो नाचते हैं सरकार के इशारों पर, उनका नाच गाना जो है वो दिखाती रहती है। किस तरह से जो है ऐसे लोग जो है वो समाज के अंदर जहर फैलाने का काम करते हैं, ये आपके सामने है। वहीं पर रामविलास वेदांति जो है वो गोंडा के अंदर एक पुजारी की हत्या कर दी गई है। उस पुजारी की हत्या को अंतरराष्ट्रीय साजिश बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये मठों को, मंदिरों को, संतों को जो है वो बदनाम करने की अंतरराष्ट्रीय साजिश है। अब पुजारी साहब जो है वो इस बात को लेकर के प्रशासन पर, सरकार पर सवाल नहीं उठा रहे हैं बल्कि वो सरकार के सुर में सुर मिलाते हुए कह रहे हैं कि ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है, जबकि हकीकत ये है कि गोंडा के अंदर जो पुजारी की हत्या हुई है वो जमीनी विवाद के चलते हुई है। जमीनी विवाद के चलते जो है वो आपस में वहां पर रंजिश के चलते जो है वो अगर हत्या हुई है तो उसको अंतरराष्ट्रीय साजिश के साथ में जोड़ देना, ये किस प्रकार की जो है वो रणनीति है। लेकिन किस तरह से जो है खुलेआम कहा जा रहा है कि पुजारियों की इस तरह से हत्या हो रही है, अपराध इस तरह से अगर लगातार बढ़ रहे हैं तो इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, पुलिस प्रशासन का कोई दोष नहीं है, कानून का कोई दोष नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है। सुनिए आप एक बार रामविलास वेदांति जो है वो किस प्रकार से अपने उच्च कोटि ज्ञान का जो है वो प्रदोष साधु संत हो सकते हैं,
क्या ऐसे लोगों के अंदर करुणा हो सकती है? क्योंकि जो साधु संत होता है, जो धर्म गुरु होता है, उसके अंदर तो करुणा होनी चाहिए। वो तो दया की बातें करता है, वो तो माफी की बातें करता है, वो तो क्षमा करता है लोगों को। लेकिन इस तरह से जो साधु संत हैं, वो साधु संत नहीं है, वो साधुओं की भेष में राक्षस है। इसीलिए जो है वो समाज को तोड़ने की, प्रदेश को तोड़ने की, देश के भाईचारे को तोड़ने की बात कह रहे हैं। और जरूरी जो है, जरूरी यह है कि समाज को तोड़ने के खिलाफ जो है इनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रशासन को और सरकार को जो है इस प्रकार के जो लोग हैं जो समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो देश के संविधान के खिलाफ बात कह रहे हैं, क्योंकि देश के संविधान के अंदर ये चीजें लिखी हुई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है और भारत के संविधान के खिलाफ जो है ये लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए देश के संविधान के खिलाफ जाने के लिए और देश के समाज को जो है वो तोड़ने के लिए। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोग, जो भी ऐसे लोग हैं, उनको चिन्हित कर करके उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। ये एक नया भारत जो है वो बनाने की कोशिश हो रही है, जहां पर आप गंदा बोलेंगे, किसी को गाली देंगे, किसी के प्रति जो है वो नफरती विचार रखेंगे, तो फिर आपको जो है आपके ऊपर कार्रवाई करने की बजाय जो है वो आपको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ये एक नए भारत की नींव जो है वो डाली जा रही है। लेकिन आप देखिए कि ऐसे लोग जो भी हैं, जो भी ऐसे लोग हैं, चाहे वो इस धर्म के हैं, चाहे उस धर्म के हैं, चाहे वो हिंदू जो है वो अपने आप को साधु संत बताते हैं, चाहे वो मुस्लिमों के मौलाना अपने आप को बताते हैं, चाहे वो सिख धर्म के हैं, चाहे वो ईसाई धर्म के हैं, जो भी लोग ऐसे हैं उनका बहिष्कार करिए, उनका बहिष्कार करिए, उनकी बातों को नकारिए। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो समाज को तोड़ने की बात कहने वाले लोग जो हैं वो कभी साधु संत नहीं हो सकते, वो कभी धर्म गुरु नहीं हो सकते। इसलिए ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए। और जिस तरह की बात जो है वो परमहंस दास ने कही है, क्या आपको लगता है कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उनको जेल में नहीं भेजा जाना चाहिए? और क्या सरकार को जो है उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन जो है वो तुरंत नहीं लेना चाहिए? आपकी राय क्या है? या आपको लगता है कि सरकार जो है वो जानबूझ करके ऐसा करवा रही है? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज एजेंडा को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी हुई है, जो घंटी बनी हुई है, उसको तुरंत दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज एजेंडा की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।